दलित समाज के लोगों को हीन भावना से देखने वाले दबंगों ने पुलिस की मौजूदगी में दलित दूल्हे के घोड़े पर बैठने पर पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस बल ने दूल्हे को घोड़े पर बैठाकर बारात भी निकलवाई और शादी की सभी रस्मों को पूरा करवाया। इस मामले में 50 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। छतरपुर के चौराई गांव में दलित दूल्हे के घोड़े पर बैठने से दबंगों ने पथराव कर दिया। इस दौरान मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस बल पर भी दबंगों ने पथराव किया, जिससे इस पथराव में 3 पुलिस वाले घायल हो गए। वहीं विवाद की खबर भीम आर्मी के लोगों को मिलने पर मौके पर पहुंचे भीम आर्मी के लोग भी अधिक आक्रोशित नजर आए, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस बल ने मामले को शांत कराकर शादी की सभी रस्में करवाईं और पूरी बारात में भी पुलिस बल मौजूद रहा। वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए एसपी अमित सांगी ने कहा कि दलित दूल्हे पर पथराव की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर पुलिस बल ने मामले को शांत कराया। इसके साथ ही बारात से लेकर विदाई तक पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा और इस घटना को अंजाम देने वाले 50 से अधिक लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। इन सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये चौरई गांव है, थाना बक्सवा अंतर्गत। यहाँ पर कल एक समुदाय में शादी थी, जिसमें गांव में जो देवी पूजन के लिए ये लोग निकलते हैं, इस पर दूसरे समुदाय ने कुछ आपत्ति व्यक्त की थी। पुलिस बल गांव में भेजा गया था, किंतु इसी दौरान दूसरे समुदाय ने कुछ पथराव कर दिया, जिसके बाद और पुलिस बल, जिसमें एडिशनल एसपी, टीआई, एसडीओपी थे, इनको भेजा गया। बाद में मैं स्वयं भी मौके पर गया था, तो इसमें जो पथराव हुआ उसमें हमारे एसडीओपी, टीआई को कुछ पत्थर आके लगे, किंतु गांव में पुलिस और प्रशासन, एडीएम और एसडीएम भी मौके पे आ गए थे। इनकी उपस्थिति में गांव के जो कार्यक्रम थे वो शांतिपूर्वक संपन्न हुए। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।